क्योंकि शील और उठाओ गहने। I'm sorry, Mr. Yash. इनका बयान नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये मर चुके हैं। आप हमारे हक के लिए आवाज उठाइए, हम अपना हिस्सा लेकर जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चले जाएंगे और एक सुकून भरी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे परिवार वासियों, ये माना जाता है कि जिस घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, उस घर में माता रानी का वास होता है। नवरात्रों का शुभ समापन रामनवमी के दिन भगवान प्रभु श्री राम के जन्म से होगा और इन 9 दिनों में हमारी बिटिया रानी माता रानी के भजन, माता रानी का जगराता करेंगी। हम सबको एकजुट होकर अपनी बहू रानी का, अपनी बिटिया रानी का साथ देना होगा। आप में से मुझे बताएं, किसी को कोई आपत्ति है? मुझे खुशी हुई ये देखकर कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। माता रानी सबका कल्याण करेगी। आइए आप कुछ काम की बातें करते हैं। हमारी बच्ची वैष्णवी और मधुरा रंगोली की जिम्मेदारी लेंगी। प्रेमदा, आप और संयुक्ता से भी ये कह देना कि प्रसाद की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की जाती है। मधुरा, मेरे बच्चे, आप और वैष्णवी रंगोली का प्रबंध करें क्योंकि घर का आंगन बिना रंगोली के सूना रहता है। जी बड़े पापा जी। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मैं आप सब लोगों से इजाजत लेता हूं। जय माता दी। अरे बड़े पापा, बड़े पापा सुनिए, आप सारा काम अकेले क्यों कर रहे हैं? मुझे हुक्म कीजिए, सब पूरा हो जाएगा। मैं भी तो हूं ना, मुझे बताइए क्या करना है। सीखो अपने बेटे से ही सीखो मेरे छोटे भाई, इसकी बातों में कितनी गहराई और इसके कर्मों में कितनी वचनबद्धता है। इसे कहते हैं सुपुत्र। मां, काश मेरा सुपुत्र जो वहां खड़ा होके ताक रहा है मुझसे सवाल करने के बजाय मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते तो आज ये हालात न होते। जय माता दी। आओ मेरे बच्चे। अरे वैष्णवी, प्लेट भर गए, रंग बिखर रहे हैं। मधुरा भाभी, मैं वैष्णवी के साथ कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। मिल गया सुकून, पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे परिवार का सुख छीन कर कोई इतना खुश, कोई इतना शांत कैसे रह सकता है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि कल जब तुम्हें मैंने अपने कमरे से निकाला तुम्हें अपने गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे दर्द से, हमारे तकलीफ से तुम इतनी बेअसर कैसे रह सकती हो वैष्णवी? तुम उस आने वाली विपत्ति को देख पाओगी, इस विपत्ति को आने से रोकना ही नहीं बल्कि इस विपत्ति का सामना भी करना है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, दीवारों से नहीं। वंश, आप ये वंश, आपने कुछ कहा मुझसे? नहीं, गलती हो गई मुझसे कि एक पत्थरधर देवी के सामने मैं अपना सर पटक रहा हूं। वंश, 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 मैं कुछ और सोच रही थी। वंश, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती, इन तीन देवियों, तीन माताओं की पूजा होगी पूरे 9 दिन, और इन तीन भव्य मूर्ति का इंतजाम आपको करना है। क्या बात है बड़े, बड़े पापा, और कुछ? बस इतना ही काफी, धन्यवाद मेरे बच्चे। जय माता। जय माता। आपके लिए गरम तेल लेकर आई हूँ। बड़ी माँ, मैं तेल लगा दूँ? मैं मालिश कर दूँ? बड़े आवश्यकता नहीं है मोक्ष, जितनी जरूरत हो उतना ही किया करें। ठीक है बड़े पापा। और बड़े पापा आप फिक्र मत कीजिएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं ऐसा इंतजाम करूंगा, सब देखते रह जाएंगे। जय माता दी। मोक्ष जी, इधर आना। जी बड़े पापा। तुम्हारी तरह का बेटा हर बाप को मिले, ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत पुण्य और इबरत का काम है। जी तरह मेरे बच्चे। बड़े पापा मैं क्या कहूँ, आप अपने हाथ का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। जय। हाँ तो भाई ध्यान से सुनो कि रोज फूलों से भरा ट्रक और मजदूर पहुंच जाने चाहिए। माँ वैष्णो देवी की पूजा के लिए नवरात्रों के लिए रोज फूलों से सजावट होनी चाहिए मंदिर में। और पैसों की चिंता मत करना, पूरे साल भर का मुनाफा 9 दिन में कमाओगे। बस ये ख्याल रखना कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जय माता दी। ये क्या तमाशा मोक्ष, क्या कर रहे हो तुम? पहले तो मुझे ये बताओ मोक्ष कि तुम्हारा मन कब से पूजा पाठ में इतना लगने लग गया, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा और मैं भाई साहब के फैसले के खिलाफ हैं। मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में और बड़े पापा के बीच में मतभेद है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी कर रहा हूँ माता रानी के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से कर रहा हूँ। माता रानी बड़े पापा की जागीर नहीं है, वो मेरी भी है, आपकी भी, सृष्टि के हर प्राणी की है। वाह, वैसे मुझे पता नहीं था मोक्ष कि मेरा बेटा अचानक माता रानी का इतना बड़ा भक्त बन जाएगा। एक्चुअली माँ मुझे भी नहीं पता था, लेकिन क्या है ना, जब माता रानी का बुलावा आता है तो बड़े से बड़ा पापी खुद ब खुद अपने आप को न्योछावर कर देता है माता रानी के चरणों में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, माता रानी का बुलावा आ गया ना, और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं माता रानी की शरण में जा रहा हूँ। बस बंद करो अपना ये गंदा नाटक। समझ में आ रहा है हमें किसकी भाषा बोल रहे हो तुम? जानते हो कि हम भैया जी के झूठे आडंबर के खिलाफ है, फिर भी तुम उनका साथ दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ। बस बहुत बोल चुके हैं आप, खामोश हो जाए। अब आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे जिससे मैं अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाऊं, और फिर मुझे आप दोनों को कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा, मैं बड़ा हो गया, इसलिए अब मेरे मामलों में दखल देना बंद कीजिए। तुम अपने पापा को धमकी दे रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, ये एक बाप और बेटे की अहम की लड़ाई है, मैं सुलझाता हूं उसे। क्या कह रहे थे तुम मोक्ष कि अगर मैंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया तो तुम मजबूरन मुझे बेइज्जत करोगे, यही कहा था ना तुमने? चलो
आज तुम्हारे मेरे बीच में होने वाली हर बहस में मैं पूर्ण विराम लगा देता हूँ। आज मोक्ष को मेरे आत्मसम्मान और भैया के ढोंग ढकोसले के बीच में किसी एक को चुनना होगा। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो आज के बाद मैं तुम्हारा बाप नहीं और तुम मेरे बेटे नहीं। आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? प्रियवदा, जब एक बेटा अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो रिश्ता टूट चुका है। उन टूटे टुकड़ों से रिश्ते सवारे नहीं जाते, उन्हें घर में सजाया नहीं जाता। अब चुनाव तुम्हें करना है, मोक्ष या तुम्हारे माँ बाप और या तुम्हारे बड़े पापा। चुनाव आप कर चुके हैं पापा, और उसमें मैं कहीं भी शामिल नहीं हूं। अब मेरे चुनने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। वैष्णवी, तुमने इस रंगोली में तो रंग भर दिया, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी के रंग, उन रंगों का क्या वैष्णवी? वंश भैया के प्यार के बिना वो रंग फीके पड़ते जा रहे हैं। जाओ वैष्णवी, एक बार वंश भैया से बात करो। दीदी, मैंने कई बार कोशिश की है, मगर हर बार दीवार से चोट लगती है और मैं गिर जाती। मैं अपने वंश तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ। दीदी, अब मेरे अंदर नए जख्मों को सहने का हौसला नहीं है। दीदी, मेरा दिल छल्ली हो चुका है इन जख्मों से। अब नहीं है मेरे अंदर हिम्मत। मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और इस खूबसूरत रंगोली की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों के हजारों रंग चमचमाने लगेंगे। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि ये नवरात्रि तुम्हारे जीवन में नव रंग भर दे, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाए और तुम्हारी जिंदगी खुशियों और प्यार की चमकीले रंगों से जगमगाने लगे। उम्मीद है कि माता रानी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। मैं स्टोर रूम से तेल लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक मैं बाती लेकर आती हूँ। दीदी, क्या हुआ वैष्णवी? दीदी, काली कैसे पड़ गई? किसने किया?
होगा ये सब? पता नहीं दीदी। दीदी लगता है ये रंग खराब है। लेकिन ये रंग खराब कैसे हो सकते हैं? आप एक काम कीजिए, आप झाड़ू लेकर आइए, मैं इसे साफ कर देती हूँ। दीदी आप क्या सोच रही हैं? झाड़ू लाइए, हम अभी अभी साफ कर देंगे। और इस व्रत के प्रताप से ही तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम उस आने वाली विपत्ति को देख पाओगी। इस विपत्ति को आने से रोकना ही नहीं बल्कि इस विपत्ति का सामना भी करना है। रंगोली का काला हो जाना, आखिर ये किस बात का संकेत है? माता रानी, आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? क्या बात है मोक्ष, तुम इतने परेशान लग रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? अरे इस घर में कहने सुनने की आदत तो बहुत पुरानी है मेरी, बहुत पुरानी है। लेकिन लगता है अब इस घर के रिश्ते कहने सुनने की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गए। आज मेरे माँ बाप ने मुझसे अपना नाता तोड़ दिया। नाता तोड़ दिया? लेकिन क्यों? आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के सबसे करीबी और मजबूत रिश्ते की कुर्बानी दी है। आई होप मेरी ये कुर्बानी जाया ना जाए। नहीं मोक्ष, मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारी इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगी। वैष्णवी को सजा जरूर मिलेगी और अब मैं उसका वो हश्र करूंगी कि दोबारा वो किसी के भी अपने को छीनने के लायक नहीं रहेगी। मिट्टी में मिल जाएगी वो। नताशा, आखिर कब तक अपनी इन तसल्ली भरी बातों में उलझा के रखोगी मुझे? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी इस भाषणबाजी से। तुम तो अब तक वो अपनी क्या कहते हैं शैतानी शक्तियों को भी हासिल नहीं कर पाई जिनसे तुम वैष्णवी का खात्मा करने निकले थी। वो शक्तियां मेरी धरोहर हैं, उन्हें हासिल करना, सहज कर रखना और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना मैं खूब जानती हूं। धीरे धीरे ऐसे हिलाकर देखिए। आ गया ना, देखा? सुनो, मैं जरा जाकर देखती हूँ कि नवरात्रि की पूजा की तैयारी हो गई है या नहीं। आप आना चाहेंगे? आप चलिए, मैं
आपके पीछे पीछे आता हूं थोड़ी देर में। ठीक है। ये आवाजें कैसी हैं? तेरी औरत को पल पल ये आवाजें, मगर ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। तेरी औरत को पल पल निहारो, भवानी तेरी आरती उतारो मैं। शेरावाली तुझे ना विसारो, भवानी तेरी आरती उतारो मैं। माँ वैष्णो तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी वैष्णो वैष्णो। माँ वैष्णो तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी मैं। ये सब क्या है? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? ये मेरा भ्रम है या फिर हकीकत? वैष्णवी, चलो नीचे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, लेकिन दीदी आप तो ठीक है ना? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ वैष्णवी। लेकिन लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती हो तुम। अच्छा आप चलो, जल्दी चलो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर मथुरा भाभी ठीक है तो मैंने अभी अभी जो देखा वो क्या था? जकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। माता रानी सबका भला करेगी। शील कुमार, आज वसंत नवरात्रि पे आप सबका स्वागत करता है। वसंत नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, उसकी पूजा शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। इसका शुभ समापन प्रभु श्री राम के जन्मदिन होगा, यानी रामनवमी के दिन। लीजिए, हमारी बिटिया रानी, आपकी अपनी देवी वैष्णवी देवी आपके सामने उपस्थित। आओ मेरे बच्चे। वैष्णवी, मैं सचमुच बिल्कुल ठीक हूं, चलो। बोलो वैष्णवी देवी की।
दीदी। पंडित जी पकड़िए। मथुरा आंखें खोलो। दीदी दीदी क्या हुआ आपको? दीदी मथुरा आंखें खोलो। क्या हुआ आपको? मथुरा भाभी क्या हुआ? हे माता रानी, इसका मतलब अभी अभी मैंने जो देखा था वो आने वाली विपत्ति का पूर्वाभास था। दीदी अब आपको कैसा लग रहा है? मिस्टर मोक्ष, सबका मुंह मीठा कराइए। जी मैम, समझा नहीं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुस्कुराइए, आप पापा बनने वाले हैं। दीदी बधाई हो। सुना आपने, माता रानी की कृपा से आप माँ बनने वाली हैं। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मोक्ष वंस अगेन। या यू टेक केयर, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। थैंक्स। बाय। मथुरा तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? वैष्णवी मैं मोक्ष से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ दीदी क्यों नहीं, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं आपके लिए दवा मंगवाती हूँ। घर में ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। थैंक्स वैष्णवी। मधुरा क्या हुआ? मैं जानती हूँ वंश कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन वंश मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि कल करती थी। मुझे आज भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी कि कल थी। क्या बात है, तुम तो डैड के साथ रह के उनकी तरह शब्दों की जाल बुनना भी सीख गई हो। वंश ऐसा मत कहिए, अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं अपने इन सवालों के भूल भुलैया में भटकती रह जाऊंगी। वंश मथुरा दीदी मां बनने वाली। वंश आज मुझे आरती से पहले ही पता चल गया था कि वो बेहोश हो जाएंगे। वंश ये पूर्वाभास ये मुझे परेशान कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पूर्वाभास का अब क्या मतलब हो सकता है। इसका एक ही मतलब होता है वैष्णवी, कि तुम सच में देवी हो। कंग्रेचुलेशंस कि तुम्हें आज दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है। वंश मेरी बात तो सुनिए। वंश इस बार तो मेरी बात सुन लीजिए। गई हूँ, लगता है ये कोई हॉस्पिटल है।
दीदी आप एक बार और सोच लीजिए, पहली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना ठीक नहीं है। क्या वाकई ये बच्चा नहीं चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैं मजबूर हूं, मैं इस वक्त मां नहीं बन सकती, मुझे ये बच्चा किराना ही होगा। दीदी रुक जाइए, कहीं ये भी तो आने वाली विपत्ति का संकेत तो नहीं? जिस तरह से मधुरा दीदी आरती के समय, कहीं कहीं इस बार वो, माँ माँ मुझे बताइए, क्या मेरा ये सपना आने वाला सच तो नहीं? माँ माँ आप कहाँ हैं? माँ जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए। मुझे बताइए, क्या मेरा ये सपना आने वाला सच तो नहीं है? माँ माँ आप कहाँ हैं? माँ जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है माते? हम सब जानते हैं कि ये युद्ध तो वैष्णवी को अकेले ही लड़ना है, यही तो नियति ने सुनिश्चित किया है, फिर क्रोध क्यों? क्या आपका विश्वास क्षीण पड़ रहा है माते? नहीं मुनिवर, मुझे वैष्णवी पर विश्वास है, किंतु उसके भोले मन की चिंता है मुझे। लक्ष्य पर जो भयानक सत्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि मेरी पुत्री को इस सत्य का सामना करने की शक्ति दे। अरे क्या बात है मधुरा, तुम्हें मां बनने की कोई खुशी नहीं? क्यों? क्योंकि आज मैंने आपको नताशा के साथ देखा था, काफी खुल मिल गए आप उसके साथ, बिल्कुल करीबी दोस्त की तरह। देना मूड खराब। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? हाँ, मेरे और नताशा के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बीच में कुछ है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, समझे तू? मैं आज यहां पर हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, वो सिर्फ
मेरा होगा, मेरे जैसा होगा, मोक्ष जैसा होगा, अपने बाप के सारे सपने पूरे करेगा मेरा बेटा। नहीं, मैं अपने बच्चे को आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। आप उसे कभी भी दूर नहीं करूंगी। अरे मत होने दे उसे अपने आप से, तू अपने पास रख, लेकिन सिर्फ 9 महीने के लिए। जैसे ही वो तेरी कोख की कैद से मुक्त होगा, वो मेरा होगा। तब तक तुझे जितना लाड़ दुलार करना है कर ले, क्योंकि उसके बाद शायद तेरी आंखें भी उसे देखने के लिए तरस जाएं। मैं भी किस वक्त क्या क्या बातें करता हूं। तू सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रख फिलहाल। मेरे बच्चे को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ख्याल रख अपना। मधुरा ने इतनी अच्छी खबर सुनाई, जिंदगी खूबसूरत लगने लगी है। दोबारा से सब काम में एक मन लगने लगा है। सच प्रेम बदा, दादी बनने का सुख ही कुछ और होता है। जब तुम मोक्ष के बच्चे को गोद में लोगी ना, तब तुम्हें लगेगा कि जिंदगी सार्थक हो गई। सही कहा भाभी जी आपने। एक नन्ही सी जान ने इस दुनिया में कदम रखने से पहले हम सबकी दुनिया बदल दी। मम्मी जी मधुरा दीदी कहाँ पर है? मंदिर गई है बेटा। मंदिर? कौन से मंदिर? हाँ वो तो पता नहीं, मैंने उसे पूछा नहीं बेटा। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो तुम? वो आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं मम्मी जी, दीदी मंदिर नहीं गई होंगी, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। तुम्हें किसने बताया मेरे बच्चे? तुम्हें वो बता के गई है क्या? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे पता है। ऐसा कैसे पता है, क्या बात है? नहीं मम्मी जी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो मंदिर ही गई होंगी। बस मेरे कहने का मतलब था कि वो ऐसी हालत में उनका अकेले मंदिर जाना ठीक नहीं है ना। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ, अरे अरे, ये अचानक वैष्णवी को क्या हो गया? ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? अगर वैष्णवी परेशान है तो कोई ना कोई गंभीर बात जरूर है, क्योंकि वैष्णवी छोटी छोटी बातों पर कभी विचलित नहीं होती। मथुरा के बारे में कोई ना कोई ऐसी बात वैष्णवी जरूर जानती है जो हम नहीं जानते। पता नहीं मथुरा दीदी आखिर कौन से डॉक्टर के पास गई होगी। मिस मोक्ष, आप एक बार और सोच लीजिए, पहली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, जब आपने मन बना ही लिया है तो फिर बात करने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर सक्सेना, इसका मतलब है कि मधुरा दीदी डॉक्टर सक्सेना के पास गई है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, वरना दीदी। पता नहीं वैष्णवी के दिमाग में क्या चल रहा है, किंतु मैंने आज वैष्णवी की आंखों में वही दर्द देखा जो वंश की मौत के वक्त देखा था। होश में आओ वैष्णवी, वंश मर चुका है, वो अब वापस लौट के कभी नहीं आएगा। वो आएंगे वापस, क्योंकि वो जिंदा है। भाभी मुझे जाने दीजिए। अरे वंश भैया मर चुके हैं। नहीं, वो जिंदा है।
आज भी वो मदुरा के लिए उसी जुनून के साथ भागी, जिस तरह वो उस दिन वंश को मौत के मुंह से बचाने के लिए भागी थी। मम्मी जी, मदुरा दीदी कहाँ पर है? मंदिर गई बेटा। नहीं मम्मी जी, दीदी मंदिर नहीं गई होंगी, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। अरे आखिर मदुरा के बारे में वो क्या जानती है? शिव जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बैठिए अमिका जी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ, छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते। ये जरा पंडित जी को दे देना, मैं अभी आता हूं। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? यहां तो कोई भी नहीं है। मथुरा दीदी वो कहां गई होंगी? कहीं मैं ये डॉक्टर सक्सेना कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर तो आज नहीं आई, आपको कल आना पड़ेगा। पता नहीं मधुरा भाभी कहाँ गई होगी, मैंने तो उन्हें सपने में डॉक्टर सक्सेना के साथ देखा था, फिर वो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं वो सिर्फ एक सपना तो नहीं था? डॉक्टर सक्सेना कहाँ मिलेंगे? भाटिया हॉस्पिटल में, मंगलवार को वो भाटिया हॉस्पिटल में बैठते हैं। आइए आइए मिस मोक्ष, बैठिए। मिस मोक्ष, आप एक बार और सोच लीजिए, पहली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना ठीक नहीं है। क्या वाकई ये बच्चा नहीं चाहती है? डॉक्टर, मैं मजबूर हूं, मैं इस वक्त मां नहीं बन सकती। मुझे ये बच्चा गिराना ही होगा। ठीक है, जब आपने मन बना ही लिया है तो फिर बात करने से कोई फायदा नहीं है। दीदी, दीदी दीदी, ये पाप है, ऐसा मत कीजिए। जय माता दी खन्ना साहब। जय माता दी सर जी। खन्ना साहब, हमारे घर के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने मंदिर पड़ते हैं उन मंदिरों में अपने आदमी भेजिए, पता लगाइए कि हमारे प्रिय छोटे भाई सभ्य की बहू मधुरा किस मंदिर में किस देवी देवता से आशीर्वाद लेने गई। जी सर, जी सर। बस थोड़ी देर और मुझे पता चल जाएगा कि मधुरा मंदिर वाकई में गई भी है या नहीं। यदि गई है तो कौन से मंदिर गई है, यदि नहीं गई तो वैष्णवी को कैसे पता चला कि मधुरा झूठ बोलकर गई है? कहाँ रह गए थे आप लोग, इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने? वो मंदिर गए थे पापा जी। मंदिर में? जी पापा जी। लेकिन वैष्णवी बच्चे, आपने तो कहा था कि मधुरा मंदिर नहीं गई। वही तो पापा जी, वो मुझे भी ऐसा लगा कि दीदी मंदिर में नहीं होंगी, लेकिन दीदी तो मंदिर ही गई थी और वो मुझे मंदिर में ही मिली। कौन से मंदिर गई थी मधुरा? पापा जी, नवरात्रि चल रही है ना, इसलिए मैं राम मंदिर गई थी, वहाँ पे रामायण पाठ चल रहा था तो मैं बैठकर सुन रही थी पापा जी। बहुत
थकान महसूस हो रही है पापा जी, मैं जाऊं? जाओ मेरे बच्चे, आप आराम करो जी। लेकिन पूजा में सही समय पर आ जाना। जी जरूर। जाओ मेरे बच्चे, जय माता दी। बोल खन्ने। सर्जी घर के आसपास के सारे मंदिर छान मारे मेरे आदमी, लेकिन उन्हें मथुरा कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है वो मंदिर गई ही नहीं थी। घर के पीछे जो राम मंदिर है बगल में, वहां देखा आप लोगों ने? हाँ सर जी, वो वहां भी नहीं थी। ये खबर काफी दिलचस्प है खन्ना साहब। इसी बात पर जय माता दी। ये मेरे ही घर में क्या नई खिचड़ी पक रही है? शील कुमार जी, जरा चौकन्ने हो जाइए। मथुरा कौन सी ऐसी जगह गई थी जो उसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है? उससे बड़ी बात यह है कि वैष्णवी ने उसका झूठ पकड़ा कैसे? और अगर झूठ पकड़ भी लिया तो फिर वैष्णवी उस झूठ को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? शील कुमार जी, आपको वैष्णवी पर बहुत तीखी नजर रखनी पड़ेगी, तभी ये सात पर्दों में छुपा राज बाहर आ सकता है। समझ में नहीं आ रहा है वैष्णवी को शील कुमार से कैसे बचा पाएंगे। उस पाखंडी ने झूठे और जहरीले शब्दों का मायाजाल फैला दिया है मेरी बच्ची के आसपास। वास्तविकता से नाता ही टूट गया है वैष्णवी का। तभी तो अपने बाबूजी की बात नहीं मान रही है। नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूं मैं भदरवा लौट जाऊं। पंडित जी, आप जानते हैं आपके और मेरे जैसे लोगों की समस्या क्या है। हम जज्बाती लोग हैं, हर काम जज्बाती होकर करते हैं, और हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इस दुनिया के सारे शील कुमार हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं। मैं मानता हूं कि आज की लड़ाई शील कुमार जीत गया है, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। मत भूलिए पंडित जी कि समय से बड़ा बलवान और कोई नहीं होता, और जिस दिन यह समय हमारे साथ होगा उस दिन एक शील कुमार तो क्या, 1000 शील कुमार भी हमारे सामने खड़े हो, हम उन्हें रौंद के रख देंगे। देखिएगा, जीत हमारी होगी। बस आप भदरवा जाने की बात मत कीजिएगा। क्या है यार, कहां रख दी इसने घड़ी? करवाई भी है या नहीं? चाबी किधर रखी? नीचे सब लोग आपको नवरात्रि की आरती के लिए बुला रहे हैं। चलिए। आरती? आरती क्या है? मुझे तुझसे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगता आज हम दोनों में से कोई भी नीचे नवरात्रि की पूजा के लिए जा पाएगा, क्योंकि मुझे उससे भी ज्यादा जरूरी काम को अंजाम देना है।
लिए तुम क्या कर रही हो, क्या जताना चाहती हो तुम? वंश, मैं तो हमेशा जगराता शुरू करने से पहले आपके पैर छूती हूँ। ये हक मेरी पत्नी वैष्णवी का है, माँ वैष्णवी देवी का नहीं। दुखी नहीं होते मेरे बच्चे, जिस पर स्वयं माता रानी का आशीर्वाद हो उसे किसी और आशीर्वाद की क्या दरकार। कान खोलकर सुन ले, अगर मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। क्या हो रहा है, मेरा ध्यान पूजा से भटक क्यों रहा है? तबीयत तो ठीक है वैष्णवी? वो पापा जी
थोड़ा चक्कर आ गया था। पापा जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? सुबह से पानी का एक बूंद भी नहीं पिया, कमजोरी तो होगी ना बेटा। वंश, जाओ वैष्णवी को ले जाओ यहाँ। दे दो बेटा मुझे। वंश, वंश, आप मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। वंश, आप नहीं जानते, आज मैंने पूजा में देखा। बस वैष्णवी, एक लफ्ज और नहीं। मॉम के कहने पे मैं यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी कोई दिलचस्पी नहीं है। ना तुम्हारे झूठ में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारे सच में। एक बात और, इस घर में हमारे रिश्ते से बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। वंश, माँ, माँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या वो कल घटने वाला सच है? माँ, अगर ये सच है तो फिर वो किसकी जिंदगी हो सकती है? वो किसकी जिंदगी का सच हो सकता है? माँ, 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 वो लोग कौन थे और वो किसके मृत्यु शरीर थे जो मुझे पूजा के बीच में बार बार दिखाई दे रहे थे? माँ, माँ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं पूरी श्रद्धा और आस्था से आपकी पूजा कर सकूं, ताकि आपकी भक्ति की शक्ति से मैं अपने उन सारे सवालों के जवाबों तक पहुंच जाऊं जिसके लिए मैं भटक रही हूं। माँ, अब एक आप ही मेरा सहारा हो जो मेरी मदद कर सकती है। माँ, मदद करो। माँ, अपनी वैष्णवी की मदद करो। दुर्गे स्मृता हरषि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्तिः स्मृता मतिमतिव शुभां ददाशि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करुणाय सदार्दचिता। माँ, आपने मुझसे कहा था कि नवरात्रों के दौरान संकेत के माध्यम से आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगी कि मेरे सपने में वो मृत्यु शरीर किसके थे? वो लोग कौन हैं और मेरा उनसे क्या संबंध है? ये वैष्णवी क्या बड़बड़ा रही है? किसके मृत शरीर देखे इसने? आखिर कौन से सवालों के जवाब ढूंढ रही है ये? किंतु माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी ये परीक्षा रामनवमी के दिन खत्म हो जाएगी और उस दिन आप मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे दे देंगी। ये माँ बेटी मिलकर मेरे खिलाफ कौन सी खिचड़ी पका रही हैं? जरूर माता रानी मेरे खिलाफ कोई जाल बिछा रही है जिसका पर्दाफाश ये रामनवमी के दिन करेंगी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। जय माता दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परमादेश की
कि वो लोग भगवान राम अवतार लीला में सहायता करने के निमंत्रित धरती पर जाकर जन्म ले। श्री राम की पधारने की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता पूर्वक करने लगे। तो इसी के साथ पहला अध्याय खत्म होता है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वैष्णवी, तुम्हें निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए था। देखो ना, तुम कितनी कमजोर लग रही हो। माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मैं ये व्रत बचपन से ही रखती आ रही हूँ। चलिए मैं आपको अगला अध्याय सुनाती हूँ कि रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था। मथुरा, ठीक से सुन लो, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे गोद में भी इस अयोध्या के रामचंद्र जी खेलने वाले हैं। दीदी, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बच्चे, आप अगला अध्याय शुरू कीजिए। जी। कितनी उम्मीदों से सब इंतजार कर रहे हैं इस घर में राम जन्म होने का, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं कि इस घर में राम जन्म नहीं होगा, राम जन्म वहां होता है जहां प्यार होता है, क्या बात है भाभी? आप खुश नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई परेशानी है तो बताइए ना मुझे। नहीं नहीं वंश भैया, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मुझे इतना अच्छा घर मिला है, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है, और मुझे क्या चाहिए वंश भैया? लेकिन हाँ, हर एक लड़की को ये सब पाने के लिए अपना घर अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। बस यही बात सोचकर कभी कभी मन उदास हो जाता है। लेकिन भाभी, आप तो माँ बनने वाली है ना, क्या आप अपने घर वालों को इतना मिस कर रही हैं कि आप माँ बनने की खबर से भी खुश नहीं है? नहीं 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 वंश भैया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भाभी, ये सब कैसे हुआ? क्या मोक्ष भैया ने आप पर हाथ उठाया है? नहीं। मोक्ष भैया। भैया आपको हो क्या गया है? पहले तो आपने छोटी माँ और छोटे पापा के साथ बदतमीजी की, उसके बाद भाभी के ऊपर हाथ उठाया, वो भी इस हालत में। वंश भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका कोई हक नहीं कि आप मेरे पति से इस तरह बात करें। आप छोटे बड़े का लिहाज भी भूल गए क्या? भाभी अब क्या कह रही हैं? वंश भैया, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इसमें मोक्ष की कोई गलती नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। भाभी, आप भैया को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ तो इससे आपको क्या वंश भैया? ये हम दोनों का आपसी मामला है और हम नहीं चाहते कि आप हमारे मामले में दखल अंदाजी करें। प्लीज वंश भैया, आप यहां से चले जाइए। आज तो भाभी ने आपका सच छुपा दिया, लेकिन अगली बार अगर आपने भाभी के ऊपर हाथ उठाया तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा, फिर भाभी भी कुछ नहीं कर सकती।
मुझे माफ कर दीजिए मोक्ष। वो नीचे गलती से वंश भैया ने मेरे गले पर निशान देख लिए। गलती से कुछ नहीं हुआ मधुरा। मैं तेरी फितरत अच्छी तरह जानता हूं। पति हूं ना तेरा, तूने वंश के सामने अपना दुखड़ा रोया होगा, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा मोक्ष। तो कहना, कहती क्यों? मैं तुझसे कह रहा हूं ना, कह, तुझे बहुत शौक है ना अपने दुख और दर्द के एवज में लोगों की ये क्या कहते हैं उसे, सहानुभूति बटोरने का, तो बटोर। मैं मदद करूंगा तेरे। मैं तुझे इतना दुख इतना दर्द दूंगा मधुरा कि लोग तेरी शक्ल देखकर तुझ पर तरस खाएंगे। सहानुभूति की नदियां बहेंगी तेरी जिंदगी में। मैं मदद करूंगा तेरे। जकारा शरावाली दा बो सांचे दरबार की। मेरे माता भक्तों, सर्वप्रथम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तत्पश्चात आपकी अपनी वैष्णवी देवी माता रानी की अंतिम आरती गाकर इन नवरात्रों का शुभ समापन करेंगे। अपना अपना स्थान ग्रहण करें माता भक्तों। जय माता दी। आज तो माता रानी कोई ऐसा चमत्कार दिखाएगी कि एक महत्वपूर्ण रहस्य से पर्दा उठ जाएगा जिसका वैष्णवी पिछले 9 दिनों से इंतजार कर रही है। आप कुछ भी कर ले मां, वैष्णवी उस रहस्य का पूरा हिस्सा नहीं जान पाएगी। बाकी का रहस्य उसके लिए जिंदगी भर रहस्य ही रहेगा। मैं उसे कभी उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। जय माता दी। माता रानी, मैं जानती हूं आज मेरे धैर्य साहस और शौर्य के साथ साथ आपके दिए हुए प्रशिक्षण की भी परीक्षा है। आपने आज तक कई बार मुझे कठिन परीक्षाओं से परिचित कराया है ताकि मैं आज का सामना हौसला और हिम्मत से कर सकूं। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब आप आरती शुरू करें।
ये सब लोग कहाँ गए? Hey!
वैष्णवी, क्या बात है वैष्णवी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने देखा कि मेरे ख्याल से आप लोग अभी सब बातें बंद कीजिए। मेरा बच्चा थका हुआ है, उसे आराम की सख्त जरूरत है, और वो ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो बच्चे जरा डॉक्टर साहब को नीचे तक छोड़ाना। हाँ जी बड़े पापा, लाइए मैं। आप चलिए। अच्छे जय माता दी। चलिए बड़े पापा, मधुर मेरे बच्चे, ये अचानक से क्या हो गया आपको? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं आप कुछ खोए खोए से रहते हो, कुछ कुछ उलझन है, मुझे बताओ ना मेरे बच्चे। पापा जी, मैं नहीं जानती। पापा जी, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम सबके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर वो कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? आगे बोलो मेरे बच्चे, और क्या बोलना चाहते हो आप? बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो, कौन? पापा जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। मेरे बच्चे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस मुझे घबराहट हो रही है। मेरे ख्याल से थोड़ा आराम करूंगी ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, आप आराम करो मेरे बच्चे, मैं बाद में बात कर। मैं जाता हूं मेरे बच्चे। मां, मां मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ना तो मैं इस बारे में किसी से बात कर सकती हूं और ना ही किसी की सलाह ले सकती हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उस इंसान तक कैसे पहुंचूं जो मेरे परिवार वालों को मारने वाला है। कैसे पहुंचूं मैं उस इंसान तक? माँ, अब आप ही कुछ करिए। माँ, अब आप ही कुछ करिए। माँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। वंश भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त वैष्णवी के पास होना चाहिए था, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कल तो आप बिना सच्चाई जाने मेरे अधिकारों के लिए मोक्ष के साथ झगड़ा कर रहे थे, और आज आप अपनी पत्नी के दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है भाभी, क्या फर्क पड़ता है? कल आपने भी अपने जख्मों को अपने पल्लू में छुपाकर अपने दर्द को नजरअंदाज किया था ना। आज मैं अपने जख्म अपने खामोशी में छुपाकर वैष्णवी के दर्द को नजरअंदाज कर रहा हूं, तो इसमें आपको ऐतराज क्यों है? क्यों है आपको ऐतराज? भाभी, मेरी मानिए तो हमारे इस निजी मामले से आप दूर ही रहिए।
वैसे भी अपने को अपने अपना नर्क खुद ही भुगतना पड़ता है। नहीं बंच भाई, सबको अपना अपना दर्द मेरी तरह अकेले नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि आप और वैष्णवी एक दूसरे के साथ है, दूर होकर भी एक दूसरे के करीब है। आज भी आप दोनों एक दूसरे के साथ दर्द और प्यार के बंधन में बंधे हुए, इसीलिए दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को जुदा नहीं कर सकती, आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती है। वंश भैया, आप नहीं जानते हैं वंश भैया, आप बहुत किस्मत वाले हैं, वरना वरना हमेशा प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता वंश भैया, नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सा दुश्मन है जो हमारे इस हंसते खेलते दुनिया में आग लगाना चाहता है। कौन है वो? आज नवमी है माँ, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर वो कौन सा शख्स है जो मेरे परिवार के जान का दुश्मन बना हुआ है। माँ, आपके इन आधी अधूरी बातों से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने परिवार की रक्षा कैसे करूँ। माँ, दया कीजिए अपनी बेटी पर। बेटी, नवरात्रि के नवे दिन की आरती पूर्ण होते ही पूरी सच्चाई स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई। मुझे सच जानने के लिए नवमी की पूजा पूरी करनी होगी। वैष्णवी, तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना? वंश, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नवमी की पूजा पूरी करनी है, वरना वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं पूजा समर्पण कैसे हो गई? मुझे 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 पूजा पूर्ण करनी है। नहीं बेटा, पूजा पूरी हो गई है, सिर्फ आरती अधूरी रह गई है। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? नवमी की पूजा ऐसे अधूरी नहीं रह सकती। मुझे मुझे पूजा करनी है, और मुझे 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 पूजा करनी है। नवमी की पूजा ऐसे अधूरी नहीं रह सकती। 9 दिनों से ना कुछ खाया है ना पिया है, कमजोर हो गई। वैष्णवी, तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, समझ रही हो? मोक्ष भैया, मुझे मना मत कीजिए। नहीं वैष्णवी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ आराम करो, और हम सब भी हमारे कमरे में चलते हैं। चलो बेटा।
वंश भैया, क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे? भाभी, आपने कहा था ना कि मेरे और वैष्णवी के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। वहां देखिए भाभी, हमारे प्यार के बीच तो स्वयं माता रानी आ गई। बेटा क्या हुआ है तुम्हें बच्चा? उन्होंने मुझसे कहा था कि रामनवमी की पूजा पूरी होने के बाद वो मुझे उस राक्षस का चेहरा दिखाएंगे।